अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आ चुके हैं अपना हादी भाई के पास। और हादी भाई का स्टोर का नाम है गेमर्स एंड फिक्सर एंड। और जैसे कि अब हादी भाई माशाल्लाह बहुत बहुत बेहतरीन रेट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, और जैसे चिप वाला जेल ब्रेक तो इनका सबसे बेस्ट है मैं कहूँगा, तो उसके रेट काफ़ी अच्छे होते हैं। अपना नॉन जेल ब्रेक के रेट भी आपको मिल रहा है, हर वीडियो में बताता हूँ स्टार्टिंग में। तो इस बार देखते हैं कि इन्होंने ये कुछ नए पैकेजेस भी लेकर आए, जैसे लास्ट टाइम 1TB 4TB था, तो इस बार देखते हैं और भी इन्होंने कुछ चेंजेस वगैरह प्राइस में की हैं, आप लोग क्या लेकर आए सब चीज़ें। ओकुलस क्वेस्ट 2 यहाँ पे ब्रांड न्यू कंडीशन में यूज़ में मौजूद है यहाँ पर, तो इसकी प्राइस वगैरह पूछेंगे। अपना गेम्स में जैसे स्पाइडरमैन 2 PS अपना क्या नाम है यूज़ में मौजूद है, तो उसके रेट वगैरह पूछे, रिपेयरिंग वगैरह से रिलेटेड जो भी सवाल वगैरह होगा अभी हादी भाई हमें प्रोवाइड अपना गाइड करेंगे उस बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम हादी भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, जैसे कि आपके क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बाकी सब देखने वाले? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा तो हादी भाई, सबसे पहले तो आप माजरत करें मैं तो कहूँगा, क्योंकि काफ़ी पेंडिंग चल रहा है, मुझे भी कमेंट्स वो अपना मैसेजेस आए थे। मैं सबसे सॉरी चाहूँगा, तकरीबन 9 बंदे सॉरी जिनके ऑर्डर्स पेंडिंग पे, जिनके 8 बंदों में से 8 4TB के डाटा, मतलब जिनके चिप जेल ब्रेक थे, जिनमें पीटर भाई हैं, एनएस खालिद भाई हैं, असद भाई हैं, हाफिजुल्ला भाई हैं, 3-4 भाई और, उनके नाम मुझे सही तरह याद नहीं है, और बाकी एक अपना एक कंट्रोलर वाले भाई हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरे पेपर चल रहे थे तो उस चक्कर में मैं थोड़ा डिले हो गया, और 4TB का डाटा थोड़ा सा डिले हो गया। इंशाल्लाह मंडे से पहले सारी चीज़ें बंटा पहुँचेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बस यही अपने पेपर्स वगैरह की वजह से अपना बंदा थोड़ा बिजी हो जाता है, काम में ध्यान नहीं दे पाता, तो इसी वजह से थोड़ा डिले हो गया, तो उसके लिए जैसे माता वगैरह कर लिए, पर आपको इंशाल्लाह मंडे तक सब कुछ सेट हो जाएगा आपका ना। संडे को शायद आप वीडियो देख रहे हो, मंडे तक आपका सब सेट हो जाएगा। तो आगे चले तो सबसे पहले अपनी शॉप का एड्रेस वगैरह बता दें, स्टोर जो है आपका। हमारा मेनली एड्रेस जैसे कि आपने पैराडाइज बेकरी से बिल्कुल सीधे अंदर आएंगे ना, सीधे हाथ का पहला कट छोड़ के दूसरे कट पर सामने बिस्मिल्लाह मिल शॉप बनी हुई है, वहीं पर आके मुझे आप कॉल कर लें, वरना आने से पहले कॉल कर लें, गूगल पे लोकेशन वगैरह सारी आपको मिल जाएंगी, गूगल पर सर्च कर लें। वो तो आप गूगल पे आप गेमर्स एंड सर्च भी, गेमर्स एंड अगर सर्च करोगे, गेमर एंड सर्च करोगे ऐसे अगर नहीं लगाओगे तो फिर नहीं आएगी, गेमर्स एंड आपको पूरा सर्च करना है तो आपको आराम से बाइकिया वगैरह अपना क्या नाम है गूगल मैप लोकेशन सब कुछ आपको शो हो जाएगी, सही है, सब कुछ आप करा सकते हैं, बाइकिया एंड ड्राइवर वगैरह आराम से। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको एड्रेस नंबर लोकेशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, फेसबुक पेज वगैरह भी। व्हाट्सएप नंबर बता दें अपना, 03168489366 0333220958, सही है, ये दो नंबर। और शॉप की टाइम ये टाइमिंग्स वगैरह बताएं यहाँ की, टाइमिंग हम लोग पुशकिट कर रहे होते हैं लाइक 4:30 से लेकर 12:30 तक, सही है। वैसे अब कोई क्योंकि आप यूनिवर्सिटी वगैरह जाते हैं तो उन दिनों कोई टाइमिंग चेंज है ये से? मतलब होता ये है कि आप आके आने से पहले एक दफ़ा कॉल कर लें, कौन है ना, वैसा 4 बजे यहाँ पे आ जाता है तो वो आपको इंटरटेन कर देगा यहाँ पे, वरना मैं 5:30-6 तक मैं खुद आता हूँ। तो कब तक आपको कॉन्टैक्ट किया जा सकता है? सुबह 12 से रात 12 तक, सही है, मतलब 12 घंटे का ड्यूरेशन आपको कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, आपके यहाँ पे आ सकते हैं जो भी आपने टाइमिंग वगैरह बताई उसमें। तो ये सब हो गया, होम डिलीवरी सर्विसेज बताएं ज़रा, ऑल ओवर पाकिस्तान क्या सीन है, इन कराची क्या सीन है? इन कराची हम लोग कैश ऑन डिलीवरी भी कर रहे होते हैं कॉन्सोल्स की, बस PS5 की नहीं कर रहे होते, उसके अलावा जितने भी कॉन्सोल्स हम CDs वगैरह सब सारी चीज़ें प्रोसीड कर रहे होते हैं, बस उसमें कुछ मेनली एरिया था जो हमारे डिस्टेंस से मतलब इतना दूर नहीं है, हम जहाँ कवर अप कर सकते हैं वहीं करते हैं, जो हमसे दूर होंगे वो उनको फिर हम लोग कैश ऑन डिलीवरी नहीं करते, एडवांस पेमेंट या करनी पड़ेगी। सही। और आउट ऑफ कराची? आउट ऑफ कराची टोटली एडवांस पेमेंट, टोटली कुछ भी चीज़ ले, अपना कंट्रोलर वगैरह कुछ भी ले, गेम भी ले छोटा सा, एडवांस पेमेंट, सही। बाकी आप जब बोलेंगे लेपर TCS जिस तरह बोलेंगे उस तरह आप, सही। अच्छा रिपेयरिंग सर्विस तो बताएं, माशाल्लाह कंसोल्स की रिपेयरिंग वगैरह भी करते हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, रिपेयरिंग सर्विस हमारी सारी हैं, PS3 के फैट को हटा के स्लिम से लेके PS5 तक हम सारी रिपेयरिंग करते हैं। और एक्सबॉक्स के? एक्सबॉक्स 360 कुछ इश्यूज होते हैं, जस्ट पर नहीं करते, स्लिम अगर आगे थोड़ा बहुत इशू अगर है, रेड लाइट का भी है जो बना हुआ नहीं है जी, तो वो कर देंगे, एक्सबॉक्स 1 है 1S है जो इश्यूज अंडर हम कर सकते हैं कर देते हैं, और कंट्रोलर्स की और छोटे मोटे मसले सर्विस वगैरह होती है वो हैंड टू हैंड क्लियर कर देते हैं इंशाल्लाह। अच्छा किसी को भी अपना कंसोल गेम कंट्रोलर वगैरह सेल आउट करना है, आपको एक्सचेंज करना है कंट्रोलर वगैरह भी, जैसे गेम्स हो गए तो ये सर्विस? गेम्स वगैरह भी लेते हैं, ठीक है, और बाकी कंसोल्स भी जो अगर रिपेयर्ड ना हो और अगर सर्विस भी है तो हम खुल के जगह चेक करके आप ले लेते हैं। पर कौन कौन से कंसोल आप नहीं लेते, जैसे जेन के हिसाब से PS2 वगैरह नहीं लेते, PS3 भी फैट वगैरह नहीं लेते, स्लिम ले लेते हैं, Xbox 360 नहीं लेते, पूरा कोई नहीं लेते, Xbox नहीं लेते, Xbox One ले लेते हैं, OnS वगैरह ले लेते हैं, और PS4 के सारे मॉडल वगैरह, सही है। और क्या कहते हैं गेम्स में आप बस PS4 और PS5 के लेते हैं, Xbox One वगैरह इनके गेम्स नहीं है, सही, ये सब चीज़ें क्लियर करनी पड़ जाती है ना ताकि लोग Xbox One की गेम्स ना लेकर आ जाए कहीं। वारंटी डिटेल्स तो बताएं? हमारी वारंटी डिटेल्स 7 डेज चेकिंग वारंटी होती है, कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि वो कह रहा है कि नहीं 7 डेज मेरे लिए कम है, तो हम एक्सटेंड 15 डेज तक भी कर देते हैं, 15 डेज तक भी एक्सटेंड कर देते, सही है, हमें कोई इशू नहीं होता, सही।
और अच्छा 15 डेज के बाद कोई अगले दिन आ जाए 16, देखिए हमें पता है कि हम क्या चीज़ दे रहे हैं, तो मैं देने को 1 मंथ की भी दे सकता हूँ, मगर एक टाइम लिमिट है तो ताकि फिर मुझे भी हो गया, अगर अल्लाह ना कहीं चीज़ में मसला है तो मैं आपको उसको चीज़ को रिफंड कर सकूँ, वरना आपको एक्सचेंज कर सकूँ, ठीक है ना। तो जो चीज़ मैं कर सकता हूँ तो मैं वही बोलूँगा कि नहीं कि एक महीना दे दिया और कस्टमर आ रहा है फिर वो चक्कर लगा रहा है, तो फ़ायदा नहीं है इसी चीज़ का। सही है, तो यहाँ डिटेल्स वगैरह सारी हो गई, आप प्राइसेस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले एक्सबॉक्स वन को हम कवर करेंगे यहाँ पे, सॉरी PS5 को कवर करेंगे, PS5 स्लिम के लेटेस्ट प्राइस बताएं क्या। PS5 स्लिम का ये आपको तकरीबन मेरे पास 5 यूनिट्स हैं जो मेरे पास आने वाले हैं, आज ही रात को आ जाएंगे। जापान है, 168 का रेट लूँगा, 168 का रेट देंगे वो, सही है। और यूके यूएसए का कोई सीन है अभी? यूके 5000 रुपये आ रहा है, तो 173-174 का रेट आ रहा है, ऐसे ही है। और फैट वाले का क्या है अभी? फैट में जापान 160 का रेट चल रहा है, सही है, न्यू। अच्छा बेहतरीन, ठीक है। और मेरे पास अभी 2 यूनिट्स हैं, ये जैसे कि रैग्नारोक वाला है जी, ये आपको पड़ेगा बिल्कुल स्लाइटली यूज है, 1200 मॉडल है, दोनों 1200 मॉडल विदाउट कोड है, ये यूज है मगर, ठीक है, स्लाइटली यूज है, बता के दे रहा हूँ। 1148 का पड़ेगा, ठीक है। और किसी कस्टमर को अगर इसमें एक डील इंक्लूड करनी है तो इसमें आप एक्स्ट्रा कंट्रोलर डालते हैं, ब्रांड न्यू कंट्रोलर, तो उसके साथ आपको 165 की दे दूंगा, 165 का ब्रांड न्यू कंट्रोलर के साथ आप दे दो, 20,000 रुपये का आपका कंट्रोलर ये, तो आपको 145 का ही पड़ जाएगा, सही है, ठीक है। इस तरह आप जापान लेते हैं तो वो आपको पड़ेगा 145 का, सही है, ठीक है। और उसमें एक्स्ट्रा कंट्रोलर इंक्लूड करेंगे तो आपको 160 का पड़ जाएगा, 160 का पड़ जाएगा, सही है। तो ये आप, और इसके अलावा ब्रांड न्यू में यूके यूएसए नहीं है आपके पास? सही, ये यूज़ में यूएसए पड़ा हुआ था, एक जापान, सही। तो आगे फिर ये निंटेंडो आपके पास मौजूद है, ये लास्ट टाइम एक आया था वो माशाल्लाह सेल हो गया, अब ये देखते कब सेल होता है, पर पिछले वाले में ये था कि वो था कवर चढ़ा हुआ था उस पर, सही है। इस वाले पे बाकायदा ये अपना एडिशन वाला है, पोकेमोन एडिशन वाला, सही है, आप देखें, आपने ओरियो में देखा होगा। तो क्या इसके रेट कोड कर रहे हो आप? ये जेल ब्रेक है, आपको पड़ेगा 48 का, जेल ब्रेक 48 का, ये निंटेंडो लाइट है, लाइट है ना, ये निंटेंडो से लाइट है, ये आपको जेल ब्रेक पड़ जाएगा अपना 48 का। और कोई अपना विदाउट जेल ब्रेक लेना चाहे, अच्छा ये ऑलरेडी हुआ हुआ है, सही है, नॉन जेल ब्रेक नहीं, तो ये 48 का पड़ जाएगा, सही है। और जैसे कि आपको निंटेंडो भी यहाँ पर जेल ब्रेक देखने को मिल रहे हैं अपना हादी भाई के पास। अच्छा एक्सबॉक्स सीरीज एस के रेट तो बताएं आप क्या दे रहे हो? 75,000 यूज में ब्रांड न्यू 94 का ब्रांड न्यू, इसका जेल ब्रेक तो है आपके पास 2000 रुपये पड़ जाएंगे, यानी कि 77 का आप अपना जेल ब्रेक वाला दे दोगे एक्सबॉक्स सीरीज, और 96 का आप ब्रांड न्यू वाला दे दोगे जेल, सही है, जेल ब्रेक एक्सबॉक्स सीरीज, सही है। आदि भाई एक्सबॉक्स वन की तरफ हम आए तो फैट के फिर रेट बताएं क्या? एक्सबॉक्स वन पे हम लोगों ने डील निकाली है कि अगर आप नॉन जेल ब्रेक लेते हैं 29,000 का पड़ेगा आपको, ठीक है, सही है। और उसमें जेल ब्रेक लेते हैं 31 का पड़ेगा, 31 का, यानी 2000 का डिफरेंस यहाँ पे बस आ रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं 4-5 हज़ार का डिफरेंस आ गया, 2000 का डिफरेंस है बस, बेहतरीन हो गया। और 1 TB पे जाएं, 1 TB आपको पड़ेगा 34 का जेल ब्रेक, सही है। और 500 GB लेंगे तो 1 TB नॉन जेल ब्रेक लेंगे तो आपको 32 का पड़ जाएगा, 32 का वो पड़ जाएगा, बेहतरीन यहाँ पे सीन हो गया। और क्या कहते हैं इस जेल ब्रेकिंग की प्राइस तो बताएं, एक वन के कितने का जेल ब्रेक करके दे रहे हो वैसे? कोई करवाना है वन एस करवा लें, 500 GB अगर होते हैं वो तो आपको 3000 में कर दूंगा, 3000 में आप कर दोगे, सही, बेहतरीन हो गया। और अगर 1 TB का 3000 में, बेहतरीन, मैं नहीं चले, ठीक है। और बाकी आप अगर वो क्या कहते हैं 1 TB करवाते हैं जी, तो 1 TB 5,500 रुपये का, 1 TB 5,500 रुपये का, बेहतरीन यहाँ पे सीन कर दिया अपना हादी भाई ने। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हादी भाई यहाँ पे अभी देखते हैं क्या सीन, कैसे प्राइसेस आपको देते हैं, लास्ट टाइम तो अच्छे ही होंगे, तो वही हुआ। जेल ब्रेक के आप देखें जहाँ पे 5-6 हज़ार का आपको 500 GB करके दे रहे हैं, वहाँ पे 3000 का आपको 500 GB, 3000 रुपये का 500 GB आपको करके दे रहे हैं, बेहतरीन हो गया यहाँ पे। 1 TB के भी आपको बताया 5,500 रुपये होगा। तो एक्सबॉक्स सीरीज एस एक्स का भी तो है जेल ब्रेक, सीरीज एस का भी हो रहा है, सही है। तो सीरीज एक्स वगैरह भी करवा लें तो उसमें वही सेम प्राइस है, 500 GB 1 TB करवाएंगे तो उसमें तो ये है ना अपना सीरीज एस तो मेरे ख्याल से 800 GB है, 500 GB, 512 GB और वो 1 TB, वो 1 TB है, सही है। तो वही अपना यही इसी रेट में, इसी रेट में बेहतरीन, मतलब वही 3000 में एक्सबॉक्स सीरीज एस और एक्सबॉक्स सीरीज एक्स 1 TB 5,500 में, बेहतरीन हो गया। तो ये आइए फिर अब प्राइसेस पर ही आ जाते हैं वापसी, एक्सबॉक्स वन एस क्या प्राइस बताएं क्या देंगे? वन एस हम देंगे 39,500 का, 39,500 बेहतरीन, 500 GB बेहतरीन, इसमें जेल ब्रेक लेते हैं 41 का, 41 का बेहतरीन, यहाँ पे 1500 रुपये पड़ रहे हैं आपके, ज़्यादा नहीं। और इसी में अगर आप 1 TB लेते हैं तो 1 TB 44 का जेल ब्रेक होगा, सही है। और बाकी नॉन जेल ब्रेक जो होगा वो अराउंड 42 का, 42 का नॉन जेल ब्रेक, 44 का अपना जेल ब्रेक, बेहतरीन,
अच्छे रेट, अब लास्ट टाइम से बहुत बेहतरीन रेट दे दिए यहाँ पे। अब आ जाते हैं जो अपना सबसे पावरफुल कंसोल था अपना लास्ट जेन का Xbox One X, तो क्या रेट है इसका? दो यूनिट्स हैं, सील यूनिट्स हैं दोनों, 60,000 के पड़ेंगे। पहले जेल ब्रेक लेना, नॉन जेल ब्रेक लेना। कितने के? 60,000, 60,000 रुपये। अच्छा, 60,000 का जेल ब्रेक लो, नॉन जेल ब्रेक सेम रेट है? सेम प्राइस है। नॉन जेल ब्रेक वालों को ये कर दूंगा कि वन मंथ अल्टीमेट गेम पास करवा। अच्छा, बेहतरीन। यहाँ पे तो अलग ही कर दिया आपने है ना, कि अगर कोई नॉन जेल ब्रेक लेता है, इसके टाइम स्टैम्प आप देख लीजिएगा सही, ये मैं अलग अलग कर दूंगा। ये नॉन जेल ब्रेक अगर कोई लेता है आपसे, तो वन मंथ का गेम अल्टीमेट वाला वन मंथ का गेम पास आप दे दोगे 60,000 में। वही जेल ब्रेक अगर लेता है तो वही सेम रेट में 60,000 में ही आपको जेल ब्रेक मिल जाएगा, फुल हार्ड ड्राइव गेम्स वगैरह। अगर आप किसी को अपनी मर्जी के डलवाने, वो भी गेम्स उनकी मर्जी की तो आपकी मर्जी के गेम्स वगैरह आपको डाल के 60,000 में ही आपको Xbox One X सील पीस, सील पे यहाँ पे सील यहाँ पे साफ साफ है। मैं आपको लेटेस्ट मॉडल है 17-18 मॉडल, ये लेटेस्ट मॉडल जो लास्ट जो है, इसके कोई बात नहीं है, बेहतर। तो अब आ जाते हैं ओक्यूलस की तरफ। ओक्यूलस क्वेस्ट 2 यहाँ पे मौजूद है यूज़ में, तो उसके वो अपना जॉयकॉन्स दिखा दें ज़रा, कंडीशन दिखा दें उनके करीब से ज़रा खुद। तो ये आप जॉयकॉन्स वगैरह भी देख लें इसके, बेहतरीन। तो क्या फिर इसका रेट कोट कर रहे हो आप? इसका एक साथ जो स्ट्रैप आता है, एडजस्टेबल स्ट्रैप होती है, जी जी, वो भी है इसके साथ, ठीक है, कवर भी है, और इसमें आईबी क्रिकेट जो है वो भी इंस्टॉल करके देंगे। अच्छा, मतलब सिर्फ ये नहीं है, ओक्यूलस क्वेस्ट 2 ही नहीं दे रहे, एक्स्ट्रा पैकेज दे रहे हो आप, सही, बेहतरीन। आपको पड़ेगा 78,000, 78,000 रुपीज़ का ये आप दे रहे हो। जी जी, उसमें अकाउंट पासवर्ड जो भी डला सारी चीज़ आपको देंगे, बेहतरीन बेहतरीन। उसके साथ आपको स्ट्रैप वो ओनली 20,000 रुपये का वही है, और कंसोल है जो कौन सा बिल्कुल सॉफ्ट है। 78,000 रुपीज़ का ये सब चीज़ों के साथ बड़ा बेहतरीन यहाँ पे आपको पैकेज बना के दे दिया है। अब PS4 की तरफ आ जाए फाइनली, तो PS4 में सबसे पहले फैट का 500 GB का नॉन जेल ब्रेक के पहले बताएं आप क्या रहे? अच्छा, इसमें जेड बाई सील यूनिट्स लेते हैं तो आपको 40,000 के पड़ जाएंगे, सील यूनिट्स 40,000 रुपीस के पड़ जाएंगे, सही है। 1,000 और 1,100 होंगे, 1,200 लेते हैं तो 43 से लेकर 45 की ड्यूरेशन में आ जाते हैं, सही। 1,200 वाले लेटेस्ट मॉडल पे जाते हैं तो 43 to 45,000 के वो पड़ जाएंगे सील्ड। बाकी कंसोल अनसील्ड अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं फिर 1 TB पर इसके, तो 1 TB में 3,000 रुपये पड़ते हैं, 3,000 रुपये, यानी कि अगर 1,100 वाला मॉडल लेते हो तो 3,000 के वो पड़ जाएंगे आपको, और अगर अपना क्या कहते हैं ये 1,200 वाले लेते हो तो 43-45 के वैसे 500 GB है, तो आप 48 समझ लें, 46-48 समझ लें, ऐसे कर लें आप, सही। और क्या कहते हैं नॉर्मल जेल ब्रेक बताएं पहले इसका, नॉर्मल जो 9.0 वाला जो है, नॉर्मल जेल ब्रेक जो है 60 से लेकर 65 का, इसमें 1,100-1,200 मिक्स है, सही है। यूनिट सील होंगे, आप मेरे यूनिट का कहीं भी जाके चेक करवा लें, कोई बंदा बोले कि लोकल सील लगी हुई है, क्या सील दोबारा लग के लगी हुई है, तो आए डबल पैसे ले जाएंगे, इस बात का मैं क्लेम करता हूं, सही है, ठीक है। तो 20 सील्ड होगा ये 60 से लेकर 65 के ब्रैकेट में, 500 GB, तो 60 to 65,000 के दरमियान ये 500 GB 1 TB दोनों मिक्स है, 500 GB 60 का, सही है। जैसे उसमें 1 TB 63 का हो जाएगा, सही। फिर उसी में जैसे कि 1,200 लेंगे वो 63 का, वो 66-67 पे आगे बैठ जाएगा ये, यानी तो ऐसे ही अपना सीन है ना, कि 60 to 65 का ब्रैकेट है अपना 500 GB का, ये क्या कहते हैं फैट का जेल ब्रेक का, सही। वही अपना 1 TB लेते हो तो 1 TB का वही अपना जो बीच में होगा 3,000 का डिफरेंस है, 63 का भी हो सकता है, 66 का भी हो सकता है, 68 का भी हो सकता है, ऐसे ही सीन है, सही है। ये हो गया बेहतरीन सीन। अब आ जाते हैं स्लिम पर, स्लिम का बताएं। स्लिम नॉन जेल ब्रेक अगर आप लेते हैं सील यूनिट्स, आपको पड़ेंगे 48 से लेकर 500 GB, 53 तक, बेहतरीन बेहतरीन, सही है। और इसी में 1 TB लेते हैं तो वो 52 से लेकर 58 तक के पड़ेंगे, 58 तक के पड़ेंगे, सही है। सील यूनिट्स जी, लेटेस्ट मॉडल वगैरह मॉडल्स के ऊपर डिपेंड है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, बॉक्स विदाउट बॉक्स, फिर ये वाले यूनिट है इसमें कुछ 48 के कुछ 50 के हैं, और जैसे कि वो फीफा 19 वाला बॉक्स है वो 52 का भी है इसमें, तो डिफरेंट हैं, आप आके देख लें जो समझ में आए। और प्रो पर आए, प्रो पे अगर आप आते हैं तो प्रो में हमारे पास 7016 जो है वो 62 का चल रहा है सीलियो, सही है। और 72 लेते हैं वो 67 का पड़ेगा, सही है, बेहतरीन, ठीक है। अच्छा, स्लिम का जेल ब्रेक बता दें फिर क्या है? ऑफिशियल जेल ब्रेक लाते हैं तो 70 से लेकर 80 के ब्रैकेट में पड़ेगा, 500 GB 1 TB, 70 से 80 के ब्रैकेट में आपको पड़ जाएगा 500 GB 1 TB इसमें, सही है। प्रो में आए, प्रो 88 अच्छा 90 से 88 का सफर है, 2,000 रुपये कम कर दिए, तो ये बेहतरीन हो गया। यहाँ पे जैसे रेट कम किए तो 1,000-2,000 भी कम ही होते हैं एक तरह से, पर
कम कर दिए, अच्छे रेट यहाँ पे कर दिए अपना हादी भाई ने। और 88 का आपको जेलब्रेक पीस प्रो मिलेगा, कोई नहीं देगा 88 का अभी, ये मैं बता दूं। सील यूनिट होगा, सील यूनिट, सील यूनिट। ये कौन सा मॉडल होगा? 7016 या 716? 72 नहीं होगा, 72 नहीं होगा, 72 तो फिर ऊपर ही होगा, फिर आता नहीं मेरे पास, आता नहीं है 7072 आता। सही, तो जो इनके बाद आता है वो फिर अपने हिसाब से ही 88 का ही आपको दे रहे हैं। सही है, बेहतरीन हो गया यहाँ पे। और आगे आप चले तो कंसोल डाउनग्रेडिंग का भी जो ऑप्शन है आपके पास, वो आप बताएं। चिप वाले जेल ब्रेक के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। डाउनग्रेडिंग में ये होता है कि जैसे कि आपने 9.0 से 11.0 किया ना, डायरेक्ट एक स्टेप किया तो उसको एक स्टेप रिवर्ट कर देता है, ये सर ये सीन होता है। तो अगर जैसे 10 पॉइंट का किसी का हो, वो 11 पे लेकर आए, फिर भी 9 पे ही लेकर जाएंगे, जो 10 पे होगा 10 पे, यानी जैसे डायरेक्टली किया होगा तो वो उसका फिर वन स्टेप पीछे, यानी वो जो पहले तो उसमें आ जाएगा। सही है, जैसे कुछ लोगों को होता है ना, जैसे उन्होंने अपडेट कर दिया जेल ब्रेक को, तो उनको लगता है कि आपने हमारे कौन सा नॉन जेल ब्रेक हो गया था, उसको हम तो यानी कि अब जैसे ऐसे ही अब बात करें, अब जैसे नया जेल ब्रेक शायद आने वाला है PS4 का, सही है, 10.7 पे आप कह रहे हैं, तो 10.7 अभी, अच्छा अभी टाइम है काफ़ी, तो अभी जैसे अगर वो आ जाता है 11 पॉइंट पे कोई होता है तो वन स्टेप पीछे यानी 10 पे लेकर आ जाएगा, फिर आराम से आपका कंसोल जेल ब्रेक हो जाएगा। 11.02 चल रहा है जी, तो अच्छा ये 11 पॉइंट पे, हाँ 11.0 चल रहा है, 11 पॉइंट ये क्या कहते हैं अपना, ये इसको डाउनग्रेड करने के लिए कंसोल खुलता है, क्या होता है, क्या सीन होता है? डाउनग्रेड करने के लिए कंसोल खुलता है, चिप इसमें भी लगती है तो डाउनग्रेड होता है, तो वायर्स के थ्रू होता है वो डाउनग्रेड। बस ये होता है कि डाउनग्रेड कर रहे थे आपको, फिर 9.0 का कहते देंगे। तो कितने का करके दे रहे हो आप ये? 13,000 रुपये, 13,000 रुपये का डाउनग्रेड करके दे रहे हो गेम्स वगैरह के साथ? 11,000 रुपये करके देंगे। अच्छा 11,000 कर दिया आपने, 11,000 रुपये में ये आप करके दे देंगे गोली बेटा मस्ती नहीं। तो जैसे कि 13,000 से 11,000 इन्होंने कर दी, यानी 11,000 में आपको ये डाउनग्रेड करके दे देंगे गेम्स वगैरह के साथ। सही है, जो गेम 1 TB हो, 500 GB हो, जितना भी आपका TB हो कंसोल, आपको जितने गेम होंगे वो आपको डाल के दे देंगे। अब फाइनली आ जाते हैं चिप जेल ब्रेक पर, अब आप बताएं चिप जेल ब्रेक का क्या सीन है। हम लोग ये फैसिलिटीज लेकर आए हैं कि इसमें आपको जैसे कि पहले होता था जेल ब्रेक में, चिप जेल ब्रेक में हम लोग ये कर रहे थे कि आपको पूरी हार्ड ड्राइव चेंज करानी पड़ती, गेम डलवाने पड़ते थे। अब ये करते हैं जैसे कि आपको एक गेम चेंज कराना है, दो गेम चेंज कराने, क्या कहोगे, कंसोल है जिसको आपको सिर्फ एक गेम खेलना है, उसके बाद आपने दूसरा ले लेना है। आप समझे जैसे आप रेंट पे सीडीज ले लेते हैं, तो उसका 3,000-4,000 रुपये रेंट आपको महीने में देना पड़ता है। तो आपने फॉर एग्जांपल इस कंसोल लेकर आया, मेरे पास 500 GB है, इसमें आपने FC24 डलवानी है, कि मॉडर्न वॉरफेयर 3 डलवानी है, तो वो एक गेम आपको मैं 3500 में डाल के दे दूँगा, ठीक है। और वो आपको बस में ये होता है कि हमारी जो IDs होती हैं और हमारा अकाउंट्स डले हुए होते हैं उसके अंदर लाइसेंस डाला हुआ होता है, वो डिलीट नहीं करना होता ताकि वो गेम चलता रहे। सही है, और नेट से कनेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जेल ब्रेक खत्म हो जाता है उसका। सही है, तो एक गेम भी चला के दे लें, ये सिर्फ चिप जेल ब्रेक में हो रहा है, चिप में हो रहा है। सही है, भले नॉन जेल ब्रेक कंसोल है उससे हम चिप करके देंगे, कोई मसला नहीं। तो यानी कि हर गेम 3500 रुपये में, या हर एक गेम डलवाना है 3500, दो गेम डलवाते हैं तो 5.5 के डाल के दे देंगे। सही है, 500 GB करते हैं फुल, 500 GB की फुल हम 7,000 रुपये करके देंगे। सही है, और 1 TB फुल करेंगे 12,000 रुपये की। सही, ये सीन है। अच्छा, और क्या कहते हैं अब फिर जो नॉर्मल जेल ब्रेक है वो कितने का करके दे रहे हो? चिप जेल ब्रेक जो नॉर्मल वाला है 1 TB कितने का करके दे रहे हो? ये तो आप गेम्स डलवाने का कह रहे हो ना, तो चिप जेल ब्रेकिंग साथ ही उसके। अच्छा, जेल ब्रेक 500 GB का कराते हैं तो 7,000 के अंदर आपको जेल ब्रेकिंग करके ही देंगे। अच्छा, उसमें गेम्स ही डाल के देंगे, आपको जेल ब्रेकिंग करके देंगे। अगली बार जब आप आएंगे तो गेम भी चेंज कराना हो, एक गेम भी चेंज कराना हो, तो हम वो भी कर देंगे। सही है, तो ये वो एक गेम 3500 रुपये का फिर होगा। सही, और क्या कहते हैं अपना 1 TB का आपने 12,000 बताया जी। सही, 1 TB में आपको चेंज कराना तो 1 TB भी कर लूँगा। सही है, ठीक है। और ये अलग से अगर कोई लेकर आता है कंसोल, सही, उनके लिए ये फैसिलिटी हमारे पास से भी ले लें तो मसला नहीं, जो आपने पहले से किए हुए उनके तो रेट अलग है ना कंसोल, वो तो जिनमें गेम पहले से आपने हार्ड ड्राइव में डाली वो अलग है ना, तो ये उनके लिए फैसिलिटी जो अपना जा तो इनसे लेकर करवाते हैं। सही है, चिप जेल ब्रेक या जिनका पहले से इन्होंने चिप जेल ब्रेक किया और फिर लेकर आते हैं, या फिर जिनका नहीं हुआ हुआ वो लेकर आते हैं, उनके लिए ये अपना ये रेट है। सही है, अब बताएं कि अगर कोई PS4 फैट 500 GB या आपने पहले वो पैकेजेस बताएं जो मुझे बता रहे थे, 1 TB, 2 TB, 3 TB, 4 TB। हम लोगों ने ये निकाला कि पैकेजेस हमने डिवाइड कर दिए हैं, इसमें जैसे कि आप फैट में 1 TB ले रहे थे तो 48 का लगा रहे थे जी, 500 GB हमारा 44-45 का रेट था, तो 500 GB हमने 43 का रेट कर दिया, 43 का 500 GB जेल चिप जेल ब्रेक। गेम्स आपको 5 गेम्स जल्दी, 4-5 गेम जितने होता है जितने भी होंगे हार्ड ड्राइव में फुल वो करके देंगे। सही, 1 TB आपको 48 का पड़ेगा। सही है, और 2 TB लेते हैं इसी का, तो अच्छा मैं बताऊँ 1 TB आपको जो है ना हम लोग 2 से 3 दिन में करके देना। सही है, ठीक है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एफिशिएंट होगा करके देना, 2 TB, 3 TB, 4 TB के अंदर आपको मुझे एटलीस्ट 1 हफ्ता 10 दिन देने पड़ेंगे कम से कम। सही सही, तो उसमें तो टाइम लग रहा है, ठीक है। तो 2 TB लेते हैं तो 2 TB आपको 56 का पड़ेगा, 56 और 2 TB जी PS4 फैट, और 3 TB लेते हैं 62 का पड़ेगा, 62 का पड़ जाएगा, 4 TB 70 का पड़ेगा, 4 TB 70 का पड़ेगा। यहाँ पे नॉर्मल जेल ब्रेक
1 TB आपको 65-70 इतने का पड़ रहा होता है, वहाँ पे 4 TB PS4 फैट आप करके दोगे। अच्छा, कंसोल रिपेयर नहीं होंगे। अच्छा, कंसोल रिपेयर नहीं होंगे, बस उसके चिप लगी हुई, चिप लगी हुई क्या सर, साफ सी बात है, अनसील्ड हुए फिर सर्विस वगैरह के लिए। सही, और आगे फिर स्लिम पर आए, ऐसे स्लिम पर आते हैं, स्लिम आपको 1 TB जो 500 GB करके देते हैं, तो 500 GB आपको 52 में करके दूंगा। सही है, 1 TB 55 में करके दूंगा। सही, बेहतरीन, ठीक है। और इसी तरह आप 2 TB लेते हैं तो 2 TB 65 का पड़ेगा, 65 का 2 TB, 3 TB 70 का पड़ेगा, बेहतरीन। और 4 TB लेंगे तो 78 का पड़ेगा, 78 का पड़ेगा, 75 का लगा दूँ, 75 का 4 TB लगा, बेहतरीन हो गया। यहाँ पे जितने का 1 TB आपको PS4 स्लिम मिल रहा होता है जेल ब्रेक, वहाँ पे 75 का आपको 4 TB मिल रहा है। तो प्रो पर आ जाते हैं, प्रो तो होता ही 1 TB है, ठीक है। प्रो में हमने डील निकाली है 7216, जेन्युइनली सीड पीस है, किसी को चेक करा। अच्छा, ये इसका अपना बॉक्स है, सीरियल मैच बॉक्स है। सही, बेहतरीन है। इसमें गेम्स आप बोलेंगे तो आपकी मर्जी की डलवा दूंगा, मसला नहीं है। ये आपको लगेगा 74,000 रुपीज़ का, 74,000 रुपीज़ का ये आप दे रहे हो जी, ठीक है। और इसके अंदर गेम्स अगर आपकी मर्जी के स्टॉल करके दूंगा, और ये सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि आपका गेम कोई लग नहीं होगा, ठीक है। इसमें 60 FPS भी चलेगा, जो आपको जेल पे कब लेते हैं 30 FPS, ये 60 FPS आपने लास्ट टाइम बताया था, ये 60 FPS भी चलता है, तो ये प्रो के अंदर आपको एक प्लस पॉइंट और मिल जाता है जेल पे, बेहतरीन, ठीक है। अच्छा, बाकियों में जेल पे कराएंगे तो उसमें वो लैग करेगा? नहीं, लैग नहीं करता, जब जेल पे कहता है यही तो खासियत है, लैग ही नहीं करता वो। सही, जैसे कि आपका नॉर्मल जेल पे होता है वो कभी कभी क्रैश भी होता है, जल्दी क्रैश होता है, इसमें ये नहीं होता, बेहतरीन हो गया। तो फिर ये 1 TB आप 74 का दे रहा हूँ, 74 का, सही है ये वाला, ग्लेशियर वाइड है लिमिटेड एडिशन, वो लेते हैं, वो 72 का पड़ेगा, 1 TB, 1 TB, सही है, ठीक है। वो 7016 मॉडल है, ठीक है। और इसी तरह आप 4 TB हमारे पास, जैसे कि यूनिट है आपको यहाँ पे, ये दिखा ही रहे, सही है, बाद में दिखाते हैं। ये 4 TB यूनिट लेंगे तो आपको 90,000 का पड़ेगा, 90,000 का 4 TB यूनिट आप दे रहे हो। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से आपने 88 ऐसे 85, तो इस बार थोड़ा वो इसमें हो गया, तो 90,000 भी 4 TB के हिसाब से बहुत अच्छा आपको यहाँ पे 65-67 गेम्स आपको साथ मिल जाते हैं जी, प्लग इन प्ले गेम्स। अभी आइए आपको गेम्स भी दिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और काफी लोग इस पे भी शक करते हैं कि यार नहीं, ये डाउनग्रेडिंग हो रही, डाउनग्रेडिंग हो रही, तो वो भी दिखाते हैं। पिछली एक वीडियो में भी दिखाया था, शायद सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, इसमें 2 TB 3 TB वाला है? नहीं, 2 TB वो आपको प्राइस रेंज ऐसी मजेदार नहीं लगेगी, तो इसलिए फायदा नहीं होगा। अच्छा, बट डायरेक्ट 1 TB फिर 4 TB का, सही है, बेहतरीन हो गया। यहाँ पे अब आपको दिखाते हैं 4 TB वाला कलेक्शन क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें आप, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक, असैसिन क्रीड मिराज, ये देखें लाइन से कैसे गेम है। एक मिनट, कितने गेम्स पीछे करें जरा, 67 गेम्स यहाँ पे हैं। ये आप देखें जरा, नीचे करें स्क्रॉल डाउन करें, ये देखें आप कैसे यहाँ पे पूरी लाइन यहाँ पे गेम्स की लगी हुई है। ये 4 TB, ये अपना PS4 प्रो है, प्रो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है यहाँ पर। इनजस्टिस 2 लेजेंडरी एडिशन, जरासी वर्ल्ड एवोल्यूशन 2, लाइस ऑफ पी यहाँ पे मौजूद है, लाहौर लगेसी, अपना होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, स्पाइडरमैन, माइल्स मोरेलेस, नॉर्मल मोटो कॉम्बैट अल्टीमेट, कैसे बेहतरीन, RDR2 और रेजिडेंट ईविल 3, रेजिडेंट ईविल 4, रेजिडेंट ईविल विलेज, तो देख सकते हैं स्ट्रीट फाइटर 6, लास्ट ऑफ अस पार्ट 2, तो देख सकते हैं। चलो, एंडी आ गया यहाँ पे, WWE 2K23 भी यहाँ पे मौजूद है, तो देख सकते हैं बेहतरीन बेहतरीन गेम्स आपको पूरी 4 TB में आप खेलते रह जाओगे। मैं क्या, साल 1.5 साल बंदा खेलते ही रह जाएगा, तो साल तक सॉरी खेलते ही रह जाएगा। तो ये आप सिस्टम ही दिखा देता, सिस्टम इन्फॉर्मेशन ये आप देखें, 11.00 पर ये मशीन अपडेटेड है, चिप जेल ब्रेक के बाद कोई डाउनग्रेडिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, इसी सॉफ्टवेयर पर, सिस्टम सॉफ्टवेयर पर आपको सारे गेम्स आपको दे रहे हैं चिप जेल ब्रेक पर। सही, बेहतरीन यहाँ पे अपना काम यहाँ पे कर दिया अपना हादी भाई ने। हादी भाई, अच्छा ये जैसे कोई लेटेस्ट जैसे गेम्स की कोई अपडेट आती है, नई DLC फाइल्स वगैरह वेल हेला आई है जैसे, तो वो इंशाल्लाह इस पे आएगी, आ जाएगी, अच्छा आ जाएगी, सही है, तो आएगी, सबको वही करके दूंगा, ये नहीं कि पुराने वाले, यानी कि अपडेटेड वर्जन कोई भी गेम जी जी, तो वो भी नहीं अपडेट करेगा। सही, बेहतरीन। अच्छा, मॉडर्न वॉरफेयर 3 तो PS5 में, PS4 में है ना? PS4 पे भी चल रहा है, चल रहा है ना वैसे जी जी, इसमें हमारे पास तो एक दफा टेस्ट यूनिट चला के भी दिखाया था, आपने कुछ नहीं करा, आपने जेल ब्रेक करना ही नहीं, बस ऑन किया पीस और यहाँ पे लगा दिया, फ्रेम ड्रॉप है ना कुछ, प्लग इन प्ले सीन है, बेहतरीन। अभी जैसे ये अभी अपडेटेड नहीं है, अपडेटेड वर्जन नहीं, वेलहला वाला, तो वेलहला का वहाँ पे नहीं आ रहा नीचे, अभी आया नहीं है, अभी आया नहीं, जब फाइल आएगी, जब फाइल आ जाएगी वो आपको करके दे देंगे, और आप कलर वगैरह देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये फुल स्क्रीन नहीं की हुई आपने? नहीं, कर दो तो खैर वो बाद में कर दो। अब PS4 है तो अपना लोडिंग में टाइम लेगा, PS5 नहीं है ये, PS5 में जल्दी हो जाती है, तो फिर भी ये अपना उस हिसाब से देखा जाए अच्छी की है। ये आप देखें,
ग्राफिक्स में कोई मसला नहीं है। अच्छा, किसी को नहीं पता वो डेयरडेविल वाली वो है लड़की। तो ये आप देखिए, ग्राफिक में कोई वो नहीं है, अपना FPS वगैरह सब कुछ बेहतरीन वहाँ पे चल रहे हैं। तो ये यहाँ का सीन था, ये आप देख चुके हैं, गेम प्लग एंड प्ले वाला ऑप्शन है यहाँ पर। अच्छा, तो आप गेम्स पर आ जाते हैं, तो PS5 के आपके पास इस बार मेरे ख्याल से 2-3 गेम हैं। तो स्पाइडरमैन 2 का काफ़ी लोग पूछते हैं, तो इसका बताएं यूज़ में कितने का दे रहे हो आप? 13,500 का यूज़ में आ गया ये। NFS अनबाउंड 9,000 और क्वालिटी मॉडर्न वॉरफेयर टू 10,500। वैसे ब्रांड न्यू गेम भी चाहिए वो भी यहाँ इनके पास अवेलेबल होते हैं, आप कॉन्टैक्ट करके जो गेम चाहिए उनसे प्राइस वगैरह ले सकते हो आप। ये आपको सेंड भी कर दें, होम डिलीवरी वगैरह सब कुछ। तो PS4 की गेम्स तो गोस्ट ऑफ सीमा 5,000, जंप फोर्स आपको 3,500 की पड़ेगी, विचर 3 वाइल्ड हंट 2,500, और अपना मॉडर्न कॉम्बैट 11 लेंगे आपको पड़ेगी 3,500 की। फैंटम पेन 1,800, मार्वल एवेंजर्स 3,000, सही है, होराइजन जीरो डॉन कंप्लीट एडिशन 2,000, सिंपल वाला 1,500, सही, और अपना क्या नाम है विचर 3 कंप्लीट एडिशन 3,000, और क्या कहते हैं असैसिन क्रीड ओरिजिन्स 2,500, असैसिन क्रीड मिराज 8,500, GTA 5 3,500, बायोशॉक द कलेक्शन मौजूद है जिसमें मेरे तीनों गेम होंगे जी, तो कितने का? 4,000, रेचेड एंड क्लैंक 1,500, सही है। यहाँ पर आए तो रेजिडेंट ईविल 2 का ये स्टील बुक मौजूद है जी, कितने का दे रहे हो? 3,500 रुपये का। बैटलफील्ड 5 2,000, अनचार्टेड नेथन ड्रेक कलेक्शन 2,000, मोटोकॉम अपना बैटमैन अर्कम नाइट 1,800, क्रू टू 3,500, रेजिडेंट ईविल बायोहैजर्ड 2,500, 3,000 रेजिडेंट ईविल, अच्छा, और नीड फॉर स्पीड ये आपको पड़ेगी 2,350, डेट्रो बेकर ह्यूमन 2,000, द लास्ट गार्डियन 2,500, माफिया थ्री 2,000, रेजिडेंट ईविल विलेज 5,500, ड्रैगन बॉल फाइटर्स जी 3,000, अनचार्टेड दी लॉस्ट लेगेसी पड़ेगी 2,200, डेथ स्ट्रैंडिंग 2,000 की, सही है। टेकन 7 3,500 का, अनचार्टेड दी थीव्स एंड 2,000, टू के सिक्सटीन आपको पड़ेगी 1,500, ड्रैगन एज आपको 1,500 की पड़ेगी, सही है। नियो जी, नियो 2,000, मैडमैक्स 2,500 की मैडमैक्स। अब आ जाते हैं अपना कंट्रोलर्स की तरफ, तो एक बार सीरीज का कंट्रोलर कितने का दे रहे हो? ये स्लाइड यूज कंट्रोलर है, बॉक्स है, ये 13,500 का, इसमें आप विदाउट बॉक्स वाले जो है विदाउट बॉक्स 10,000 रुपये के हैं, 10,000 के, ब्लैक में भी है वाइट में भी है, सेम रेट है जी। और ये कौन सा है अपना? रेजर एज टूर्नामेंट एडिशन, अच्छा ये वाला थोड़ी खस्ता हालत में जी जी, मैं 5,000 रुपये लगा, 5,000 रुपये का। और ये वाला जो है, ये वाला जी, ये वाला क्या है? ये PS4 का कंट्रोलर है, ये दूसरी कंपनी का है किसी के? हाँ, लोकल ब्रांड है, चाइना। तो क्या इसके रेट है? 2,500 रुपये का। वैसे अपना PS4 के कॉपी कंट्रोलर कितने के? ओरिजिनल है, कॉपी सारे ओरिजिनल है। तो कितने के दे रहे हैं ओरिजिनल कंट्रोलर? ओरिजिनल आपके जितने भी सारे हमारे पास 7,000 से लेके 10,000 तक है। तो ये क्वालिटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 वाला अपना ब्लैक ऑप्स 3 वाला 8,000 का, सही है। PS5 का कंट्रोल कितने का दे रहे हो? PS5 ब्लैक लेंगे 18,500, व्हाइट लेंगे 18,000 रुपये, कॉस्मिक रेड आने वाला हमारे पास, तीनों कलर आने वाले, 19,000 रुपये उनके रेट है, सही है। और बाकी जो आप लोग जो भी क्वेरीज वगैरह करते हैं, रेट्स वगैरह पूछते हैं, तो मैं आप सबसे ये कहूँगा कि वीडियो का रेफरेंस ज़रूर दे दिया करें, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ वीडियो के थ्रू हम रेट्स कम हमारे जो होते हैं और रेट कम लगा के प्रमोशन ऑफर होती हैं हमारी तरफ से। अब जो नॉर्मल रेट मार्केट होता है, हम लोग वही सबको कोट करते हैं, कुछ कस्टमर्स क्लेम करते हैं कि यार आपने रेट ज़्यादा बता दिया अपने वीडियो में, भाई आप वीडियो का रेफरेंस दें, आपको वही चीज़ उसी रेट में। काफ़ी लोग नहीं देते, बस फ़ोन करके बोल रहे होते हैं कि भाई इस चीज़ का रेट क्या है, उस चीज़ का रेट क्या है, फिर वो रेट ज़्यादा बोलते हैं वॉकिंग कस्टमर समझ के, तो फिर आप लोग कमेंट कर रहे होते हैं भाई वीडियो में रेट अलग है, यहाँ पे रेट अलग है, फिर वो जब रेट सही करके वो भाई वो सही कह रहे हैं भाई रेफरेंस दोगे तो वो देंगे ना, ऐसे कैसे दे देंगे। तो जैसे कि वैसे अभी आपने देखा कि माशाल्लाह रेट बहुत बेहतरीन यहाँ पे दिए हैं, हर बार की तरह इस बार भी अपना हादी भाई शॉक करने में कामयाब रहे हैं हम सभी को, मुझे तो रहे, क्योंकि बाकी जेल ब्रेक के काफ़ी अच्छे रेट दे दिए यहाँ पे आप लोगों को, काफ़ी अच्छी सर्विस यहाँ पे कर दी है, PS4 के जेल ब्रेक की, एक्सबॉक्स के जेल ब्रेक की, काफ़ी अच्छे रेट है। एक्सबॉक्स सीरीज एस आप देखो 277 का 80 का आपको मुश्किल से यूज में मिल रहा होता है, एक्सबॉक्स सीरीज एस 77 का आपको जेल ब्रेक मिल रहा है यहाँ पे, और क्या चाहिए। और एक्सबॉक्स सीरीज एस तो लेटेस्ट कंसोल्स हैं, इनकी कंडीशन वगैरह भी माशाल्लाह अच्छी होगी, तो अच्छे आपको यहाँ पे रेट्स वगैरह मिल रहे हैं, कंट्रोलर्स वगैरह के, ओकुलस क्वेस्ट 2 के अच्छा पैकेज यहाँ पे मिल रहा है,
तो बेहतरीन यहाँ पे सीन हो गया है। तो फिलहाल अभी के लिए वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, यही थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू मिलती रहे। किसी भी चीज़ की प्राइस वगैरह पूछनी हो, कोई कंसोल अपना जेल ब्रेक करवाना हो चिप वाला, या नॉर्मल जेल ब्रेक करवाना हो, गेम इंस्टॉल करवाने हो, कंट्रोल सही करवाना हो, एक्सचेंज करवानी हो, आपका कोई भी कंसोल गेम कंट्रोल वगैरह सर्विस यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना हादी भाई का नंबर एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, मेरे सोशल मीडिया लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।